नमस्कार, मैं संतोष चतुर्वेदी NRP धर्म कार्यक्रम में एक बार फिर हाजिर हूँ और आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि पिछले अंक में हमने कहा था कि इस अंक में वर्ष 2024 में किन राशियों पर शनि की साढ़े साथी और ढैया चल रही है और उन पर उसका क्या असर होगा, इसके क्या उपाय हैं, इस बारे में जानेंगे, तो आज उसी पर चर्चा होगी। क्या है शनि की साढ़े साथी और ढैया? शनि जब किसी के चंद्र लग्न से 12वें पहले और दूसरे भाव में गोचर करता है तो शनि की साढ़े साथी का असर होता है। वहीं शनि जब चंद्र लग्न से 4थे और 8वें भाव में गोचर करता है तब शनि की ढैया का असर रहता है। क्योंकि शनि एक राशि में तकरीबन 2.5 साल रहता है और ढैया के समय एक राशि में गोचर होने के कारण ढैया कहलाती है, वहीं साढ़े साथी के समय 3 राशि में गोचर करने में 7.5 साल का समय लगता है, इसीलिए इसे साढ़े साथी के नाम से जाना जाता है। अभी किन राशियों पर चल रही शनि की साढ़े साथी और ढैया? वर्ष 2024 में पूरे साल शनि की साढ़े साथी का प्रभाव मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों पर रहेगा, तो वहीं कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों पर वर्ष पर्यंत ढैया का प्रभाव रहेगा। आइए जानते हैं साढ़े साथी और ढैया का विभिन्न राशियों पर क्या होगा असर। मकर राशि वाले जातकों पर उतरती हुई साढ़े साथी का प्रभाव पैरों पर स्वर्ण पाद से रहेगा। सामान्यतः उतरती हुई साढ़े साथी अच्छा फल देती है, इसके प्रभाव से व्यापार में वृद्धि, अदालती मामलों में विजय मिलती है। वहीं शनि के स्वर्ण पाद में होने से कुछ विरोध और पारिवारिक तनाव की स्थिति बन सकती है। वर्ष के उत्तरार्ध में कोई पुरानी बीमारी पीड़ा दे सकती है। कुंभ राशि के जातकों पर मध्य की साढ़े साथी का प्रभाव ताम्रपाद से हृदय पर रहेगा, इसके प्रभाव से नौकरी में बाधाओं के बावजूद सफलता मिलेगी, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, वर्ष के उत्तरार्ध में कानूनी उलझनें आ सकती हैं। मीन राशि के जातकों पर चढ़ती हुई साढ़े साथी का असर रजत पाद से सिर पर रहेगा, इसके प्रभाव से परेशानियों के बावजूद व्यापार में वृद्धि, नौकरी में प्रमोशन और शासकीय कार्यों में सफलता मिल सकती है, लेकिन इस दौरान आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो हुई शनि की साढ़े साथी के प्रभाव वाली राशियों के बारे में बात। अब जानते हैं क्या होगा असर शनि की ढैया से गुजर रही राशियों पर। कर्क राशि वाले जातकों पर अष्टम शनि की ढैया का प्रभाव स्वर्ण पाद से रहेगा, इससे खर्च में वृद्धि, धन की कमी, व्यापार में धीमी दर से वृद्धि, कार्य कठिनाई से पूरे होंगे, लेकिन मेहनत से पहचान मिलेगी और कोई राजकीय सम्मान मिल सकता है। वर्ष के उत्तरार्ध में अचानक कोई बड़ा खर्च आ सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों पर चतुर्थ शनि की ढैया का प्रभाव स्वर्णपाद से रहेगा, व्यापार में परेशानियां, स्वास्थ्य में समस्या व उसमें खर्च, पारिवारिक क्लेश एवं तनाव हो सकता है। किसी अनुबंध या एग्रीमेंट पर अच्छी तरह सोच विचार कर आगे बढ़ें। शनि शांति के सरल उपाय। शनि के साढ़े साथी और ढैया के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए वैसे तो कई उपाय हैं, लेकिन यहाँ बहुत ही सरल 5 उपाय दे रहे हैं। सबसे जरूरी है हनुमान जी की आराधना करें, नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनिवार को सरसों के तेल में चेहरा देखकर उसका दान करें, शनिवार की शाम को पीपल के नीचे तेल का दिया जलाएं, गरीबों को शनिवार के दिन काले कंबल का दान करें। कार्यक्रम के इस अंक को अब समाप्त करने की आज्ञा दें। अगले अंक में सनातन धर्म की एक और विशिष्ट बात पर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके यदि कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। नमस्कार।